ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर में सुना है पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो सुनो ग्वालियर के लोगों उनका स्वागत करना, लेकिन अतिथि देवो भव की तरह उनकी 12 मई को विदाई भी कर देना। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया की मंच पर जनसभा को संबोधित करते हुए जुबान फिसली। दरअसल उन्होंने कांग्रेस की वजह बीजेपी का नाम लेकर गुणगान शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवे चरण के चुनाव के लिए शनिवार शाम को चुनावी प्रचार थम गया। पांचवे चरण में 7 राज्यों के 51 सीटों पर 6 मई को डलेंगे वोट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस को दी है धमकी। उनका कहना है कि आपने जो गुनाह में किया है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बसपा के प्रत्याशियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके डराया धमकाया जा रहा है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी के नेताओं से कहा कि यदि कलेक्टर से इतनी आपत्ति है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कलेक्टर बना दो।